यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मुझे लगा तुम मरने आए हो। अब ये तो अपना अपना नजरिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको हॉलीवुड की कुछ एक्शन एडवेंचर थ्रिलर साइंस फिक्शन और भी कई तरह की मूवीज देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इन मूवीज को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इन मूवीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आती है रॉबिन हुड। ये मूवी साल 2018 में रिलीज की गई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है रॉबिन हुड की, जो अपने गांव और जनता के लिए लड़ने को उठ खड़ा हो जाता है। और जब उसके गांव उसके लोगों पर अत्याचार किया जाता है तो रॉबिन हुड उनकी मदद के लिए आगे आता है। और उसी के साथ साथ वो लुटेरा भी होता है जो अमीर लोगों को लूट कर गरीब में बांट देता है और उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए वहां का राजा लाहौर का इनाम रखता है। तो आखिर रॉबिन हुड कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिली 5.3/10। क्या ये सब जरूरी था? हाँ बिल्कुल। नंबर 4 पर आते हैं स्पेक्टर। ये मूवी साल 2015 में रिलीज की गई एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है जेम्स बॉन्ड की, जिसको एक मिशन पर भेजा जाता है। उसे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है जो दुनिया भर में खतरा पैदा कर रही है। और जेम्स बॉन्ड ये भी पता लगाने की कोशिश करता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन चला रहा है और उसके पीछे कौन है। तो क्या है अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं, और पूरी कहानी क्या है, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8/10। ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम जानती है? इसका नाम है स्पेक्टर। लिस्ट में नंबर 3 पर आती है दी ए टीम। ये मूवी साल 2010 में रिलीज की गई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई है 4 मिलिट्री ऑफिसर्स की, जो एक मिशन पर जाते हैं लेकिन एक गद्दार की वजह से इनका पूरा मिशन फेल हो जाता है और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाता है और चारों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो कैसे ये चारों एक होकर उस गद्दार का पता लगाकर खुद को बेगुनाह साबित करते हैं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.7/10 IMDb पर। नंबर 2 की मूवी है पेन एंड गेन। ये मूवी साल 2013 में रिलीज की गई एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 3 बॉडी बिल्डर्स की, जिनमें से एक बंदा बेहतर लाइफ जीने की ख्वाहिश रखता है। उसे लगता है कि सक्सेस के लिए उसे आगे बढ़ने के लिए गलत तरीकों का सहारा लेना चाहिए, जिसके बाद ये तीनों लोग एक प्लानिंग करते हैं और एक बिजनेसमैन का सारा पैसा चुरा लेते हैं। लेकिन किसी तरह से उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है और वो काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आखिर तक देख रहे हैं किस तरह उस मुश्किल से बाहर निकलते हैं। पूरी कहानी क्या है, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4/10। So now it does. That's it. Get it. आखिरी मूवी है मिडवे। ये मूवी साल 2019 में रिलीज की गई एक्शन वॉर मूवी है, जिसमें हमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए मिडवे युद्ध के ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया है। इस फिल्म में जापान और अमेरिका के बीच वॉर चल रही है। जापानी शक्तिशाली नौसेना मिडवे के द्वीप पर अपनी अग्रेसिवनेस और धमाकेदारी को दिखाकर अमेरिका की नौसेना को हराना चाहती है। तो आखिर तक इन दोनों देशों में से कौन जीतता है, वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7/10। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।